धनबाद रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म नंबर 7 में स्थित स्टालों में जांच अभियान चलाया। सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार के नेतृत्व में जांच किया गया। स्टॉलों में जांच के दौरान रेल नीर पानी के अलावे अन्य ब्रांड के पानी बोतल मिला। रेल यात्रियों को अन्य ब्रांड के पानी बोतल बेचते स्टॉल दुकानदार पाए गए। वही जांच के दौरान एक्सपायरी बेकरी प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, अन्य सामान भी मिला, जिसे रेल प्रशासन ने मौके से जब्त कर लिया। वही जब्त सामानों को रेल अधिकारी रेल मजदूरों से प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 6 के बीच गुजरी रेल पटरी से धुलवाया गया। रेल अधिकारी रेल पटरी के बीच से नहीं गुजरने के नियम को खुद अवहेलना करवाए। जांच अभियान का नेतृत्व कर रहे सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार ने कहा, रेलवे प्लेटफॉर्म में रेल नीर के अलावे अन्य बॉन्ड के पानी बोतल प्लेटफॉर्म स्टॉलों से बिक्री करने की जानकारी मिली थी, जिसे लेकर जांच अभियान चलाया गया। जांच में रेल नीर के अलावे अन्य ब्रांड के पानी बोतल, एक्सपायरी बेकरी प्रोडक्ट भारी मात्रा में मिला, जिसे जब्त किया गया है। आगे भी यह जांच अभियान जारी रहेगा। लिए मैंडेटरी स्टेशन है और यहाँ केवल रेल नीर पानी का ही बेचा जाना चाहिए। आज तो जो इंस्पेक्शन हुआ, पहला चीज यही था कि गर्मी का मौसम आ गया तो लोगों को सही पानी को पीने को मिले, रेल नीर सुचारू रूप से उपलब्ध हो, सप्लाई प्रॉपर है। उसके बावजूद देखने में आया कि बहुत सारे स्टॉल पे रेल नीर के अलावा दूसरी पानियाँ बेच रहे हैं, और भी उसके अलावा कुछ है जो कुछ एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ और बेकरी का आइटम ये सब मिले हैं। तो जो रेलवे की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कोई भी ऐसा चीज़ हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाए, तो बस इसी के लिए आज ये स्टॉल खुले हुए हैं। हाँ, सारे स्टॉल खुले हुए हैं, सारे कैटरिंग स्टॉल्स कार्रवाई होगी। अभी रिपोर्ट बनाएंगे हमारे इंस्पेक्टर लोग, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कैटरिंग स्टॉल्स जो जी अभी तो असेसमेंट किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि बहुत भारी मात्रा में मिला है, काफी मात्रा है। अभी असेसमेंट करते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं आप लोगों को। ये मुहिम चलती रहेगी। हाँ, चलती रहेगी।